हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शौर्य और आप देख रहे हैं शौर्याज एक्वाटिक वर्ल्ड। सो बहुत दिनों के बाद ये वाला टैंक आप लोग देख रहे होंगे, जिसके बारे में अचानक से मैंने बंद कर दिया ये सीरीज़ को। ये आपको याद होगा मेरी 3 फीट सीरीज़ से। जो हुआ था कि मेरा ये फीमेल फ्लावर हॉर्न, उस समय जिसको मैं समझता था कि मेल है, मैं उसे इसमें डाल दिया था। और कुछ चेंजेस जो आपको दिख रहे होंगे, इसके अंदर सैंड है और बैक में एल्गी जम गई है। तो मैंने अपनी फीमेल फ्लावर हॉर्न को डाल दिया था, जो मुझे उस समय लग रहा था कि मेल है, और फिर मुझे पता चला कि फीमेल है जब इसने ग्लास पे एग ले किया। फिर मैंने सैंड डाल दिया इसमें थोड़ा सा अपना लुक चेंज करने के लिए। इसका बस उतने दूर ही आपको याद होगा। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, इस टैंक का सीरीज़ अब कंप्लीट करते हैं। इस टैंक में मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ आज की वीडियो में कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें हैं। पहली जिसमें से आ रही हैं कि मैं इस टैंक के अंदर का पूरा सैंड हटाता हूँ, पावर हेड फिल्ट्रेशन इसके अंदर है, ब्लू लाइट है, फीमेल फ्लावर हॉर्न है मेरे पास, एक मेल फ्लावर हॉर्न देते हैं और दोनों को ब्रीड करवाते हैं और बेबीज़ देखा जाएगा। ये भी एक नया ट्राई किया जा सकता है, या फिर अपनी फीमेल फ्लावर हॉर्न को सेल कर दें और इसके अंदर 4 से 5 डिस्कस रखते हैं। डिस्कस लेकिन मैंने पहले जो रखी थी तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं था। मतलब सक्सेसफुल था लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं रह पाया, क्योंकि मैं बाहर गया और उस समय जो हुआ ख़त्म, वो पहले की बात है। अब मेरा नया, ये दोनों मेरे दिमाग में आइडिया हैं। और एक और आइडिया ये है कि बीच में पार्टीशन लगाते हैं, एक तरफ मेल फ्लावर हॉर्न और दूसरे तरफ फीमेल फ्लावर हॉर्न को रखते हैं और देखते हैं दोनों में से क्या डिफरेंस आती है। अगर ये बेबी फ्लावर हॉर्न वो मेल रहेगा या फिर फीमेल भी हो सकता है, 2-3 फ्लावर हॉर्न मंगा के रखते हैं और देखते हैं कि एक बेबी फ्लावर हॉर्न को शुरू से ग्रो करने में कैसा रहता है। ये 2-3 आइडिया मेरे दिमाग में थे, इसलिए मैंने इन तीनों आइडिया को आपको बताया। अब तीनों आइडिया के बारे में, अगर मैं डिस्कस रखता हूँ तो भी मुझे इसे बेयर बॉटम रखना पड़ेगा, अगर फ्लावर हॉर्न रखता हूँ तो भी बेयर बॉटम रखना होगा। और आखिरी ऑप्शन ये कि इस अकेली फीमेल फ्लावर हॉर्न के लिए इस टैंक को छोड़ दिया जाए। इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी करेंटली वो है स्पॉन्ज, ये पावर हेड फिल्टर, लेकिन अब मैं इसके अंदर स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ करूँगा। तो आप लोगों को जैसा लगता है, यहाँ पे जो पोल है उसमें आप बता सकते हैं, ऊपर में आपको अभी यहाँ दिख रहा होगा, और नहीं तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको डिस्कस वाला प्लान सही लग रहा है, फ्लावर हॉर्न ब्रीडिंग या फिर फ्लावर हॉर्न का मेल आप चाहते हो सिर्फ मेल देखना। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं था, जस्ट आप लोगों से क्वेश्चन था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट ज़रूर करो कि मुझे क्या करना चाहिए। तब तक के लिए कीप ऑन टैंकिंग एक्वामी।